अब आज हम फतेह सागर झील के किनारे और आ गए हैं और आज हम इवनिंग यानी शाम को आए हैं और आपको आज सारा का सारा दृश्य बताएंगे। और हम अभी इस वक्त घूम रहे हैं फतेह सागर झील के किनारे। देख सकते हो आप कितना शानदार नज़ारा है। और हम अभी आ रहे हैं इसके अंदर, देख सकते हो। और देखो इसके अंदर देखो छोटी छोटी नावें पड़ी हुई है, जो कि इस नावों के अंदर बैठकर आपको सामने गार्डन दिख रहा है, उस गार्डन में बैठ के जाते हैं। उस गार्डन का नाम है नेहरू गार्डन। और हम और आपको रूबरू और करवाएंगे और इसका और हम उदयपुर फतेह सागर लेक का आनंद लेते हुए। बहुत शानदार नज़ारा है, देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा। उदयपुर में आए हैं, आप भी कभी ना कभी उदयपुर ज़रूर आए और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि उदयपुर जिलों की नगरी है। जब एक महाराणा उदय सिंह ने इस उदयपुर शहर को बचाया था, शहर को बचाने से पहले उन्होंने एक झील का निर्माण भी किया था। और आप देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा है, क्योंकि मैं इस झील दिखाने की कोशिश करता हूँ तब सूरज ज़्यादा होने के कारण शानदार लोकेशन नहीं आती है। कितना शानदार नज़ारा है, देख सकते हो ये उदयपुर की शानदार नगरी है। आप देख सकते हो शानदार फुहारा फुहारा चलते हुए आनंद चारे के चार दुकान पूरा पानी भरा हुआ है। और पानी की देखो क्या विशेषता है, कहीं कोई गंदा पानी नहीं, क्लीन चिट पानी है। कितना कितना देखो फुहारा चलते हुए, इस फुहारे की यहाँ तक ठंडी ठंडी हवा आ रही है और छोटे छोटे यहाँ तक आ रही है। वो देखो कितना शानदार नज़ारा, कितना शानदार, मोबाइल गिल्ला हो गया। अब आज हम फतेह सागर झील के किनारे और आ गए हैं और आज हम इवनिंग यानी शाम को आए हैं और आपको आज सारा का सारा दृश्य बताएंगे। और हम अभी इस वक्त घूम रहे हैं फतेह सागर झील के किनारे। देख सकते हो आप कितना शानदार नज़ारा है। और हम अभी आ रहे हैं इसके अंदर, देख सकते हो। और देखो इसके अंदर देखो छोटी छोटी नावें पड़ी हुई है, जो कि इस नावों के अंदर बैठकर आपको सामने गार्डन दिख रहा है, उस गार्डन में बैठ के जाते हैं। उस गार्डन का नाम है नेहरू गार्डन। और हम और आपको रूबरू और करवाएंगे और चलते हैं और इसका और हम उदयपुर फतेह सागर लेक का आनंद लेते हुए। बहुत शानदार नज़ारा है, देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा। उदयपुर में आए हैं, आप भी कभी ना कभी उदयपुर ज़रूर आए और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि उदयपुर जिलों की नगरी है। जब एक महाराणा उदय सिंह ने इस उदयपुर शहर को बचाया था, शहर को बचाने से पहले उन्होंने एक झील का निर्माण भी किया था। और आप देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा है, क्योंकि मैं इस झील दिखाने की कोशिश करता हूँ तब सूरज ज़्यादा होने के कारण शानदार लोकेशन नहीं आती है। कितना शानदार नज़ारा है, देख सकते हो ये उदयपुर की शानदार नगरी है। आप देख सकते हो शानदार फुहारा फुहारा चलते हुए आनंद चारे के चार दुकान पूरा पानी भरा हुआ है। और पानी की देखो क्या विशेषता है, कहीं कोई गंदा पानी नहीं, क्लीन चिट पानी है। कितना कितना देखो फुहारा चलते हुए, इस फुहारे की यहाँ तक ठंडी ठंडी हवा आ रही है और छोटे छोटे यहाँ तक आ रही है। वो देखो कितना शानदार नज़ारा, कितना शानदार, मोबाइल गिल्ला हो गया। कितना शानदार नज़ारा है, देखो ये पिछला झील नहीं, ये फतेह सागर झील है, जिसको यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में कर्पस के नाम से भी जाना जाता है। और
और ये आपको एक छतरी दिखाई दे रही है, फोटो लेने का शानदार नज़ारा है। अब हम इस छतरी के अंदर एंटर हो गए, देखते हैं इसके अंदर क्या शानदार फोटो लेते हुए आप देख सकते हो। और इसी छतरी के यहाँ पर एक नीचे कुत्ता शो रहा हुआ है, इतना शानदार। इतना शानदार नज़ारा देख सकते हो, इस नज़ारे को मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने क्लीन चिट है। और ये इधर आपको साफ नहीं दिखाई दे क्योंकि इधर सूर्य हो रहा है, लेकिन आप कितना शानदार नज़ारा देख सकते हो। हम घूमते घूमते यहाँ एक एक्वेरियम बना हुआ है, उस एक्वेरियम के अंदर जाएंगे और देखेंगे और शानदार नज़ारा। यहाँ आते ही एक बार जीव में खुशी हो जाती है, कितना शानदार नज़ारा है। कितना शानदार नज़ारा। और हम कितना शानदार नज़ारा और देख सकते हो आप, वाह वाह मज़ा आ गया उदयपुर घूमने का। एक बार आप भी जरूर उदयपुर की यात्रा करें क्योंकि जिलों की नगरी कहलाती है। कितना शानदार नज़ारा। और हम उदयपुर घूम रहे हैं, कितना शानदार नज़ारा, कितना शानदार नज़ारा है, कितना शानदार नज़ारा है उदयपुर का। हम उदयपुर घूम रहे हैं, देख सकते हो शानदार नज़ारा, कितना शानदार नज़ारा आप देख सकते हो। आनंद आ जाएगा उदयपुर घूमने का, आप भी जब भी आओ जब उदयपुर घूमो।